बहुत अंधेरा है। हेलो गाइस आइए। वालो देख ले लो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं आइकिया। आइकिया फिर से आपको दिवाली शॉपिंग का मैं सीरीज़ जो आपके सामने लाने वाली हूँ, तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है आइकिया मुंबई में, जहाँ से आप बहुत सारी दिवाली की शॉपिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बेड शीट्स, लाइट्स और बहुत सारे फर्नीचर्स, बहुत सारे डेकोरेशन का आइटम। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या लिया और आप क्या क्या ले सकते हैं। तो अगर आप कल्याण से आ रहे हैं तो आपको 28 किलोमीटर्स पड़ेगा, और मुझे 1 hour and 14 minutes हम लोगों को यहाँ से दिखा रहा है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक होगा तो देखते हैं। और बाई ट्रेन भी आप लोग आ सकते हैं, तुर्बे स्टेशन से बहुत 10 मिनट की दूरी पे है वो। और रास्ते में देखिए हमको देखने मिल रहे थे प्यारे प्यारे नज़ारे। और आफ्टर लॉकडाउन जो 1 साल के बाद हम लोग ऐसे निकले हैं ना, इनकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को लग रहा होगा रास्ते दिखा रहे हैं, लेकिन रास्ते लॉन्ग ड्राइव का अभी हम लोग बहुत आनंद लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और देखिए ऐसा व्यू कहाँ देखने मिलता है दिल्ली। और बस उसके बाद पहुंच चुके हैं हम लोग आइकिया। और आइकिया तो आपका देखिए शॉपिंग का गढ़ है पूरा, होम से रिलेटेड जिसको भी शॉपिंग करना है। और मुझे पता है इंडियन लेडीज़ तो यहाँ के बहुत ही खुश होने वाली हैं। तो अगर आप लोग नहीं विज़िट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए, वीडियो इन्जॉय करिए। और इस बार आइकिया में मैंने वो सब सेक्शन कवर किए हैं जिसमें हमको सामान एक्चुअली लेना था, क्योंकि पूरा आइकिया घूमने के लिए इतना टाइम नहीं था हम लोग के पास। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये, पूरा दिन लग जाएगा, और हमारे पास सिर्फ 2-3 घंटे थे। तो हमने वही सेक्शन कवर किए जहाँ से हमको एक्चुअल में सामान लेना है। ज़रूर दिवाली शॉपिंग में हेल्प होगी इससे। चलिए इस टाइप का भी मंदिर ले सकते हैं। और यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए हैं आइकिया। और सबसे पहले यहाँ पे टॉप फ्लोर पे आप जाके देख सकते हैं कि फर्नीचर्स को अरेंज कैसे किया है। हम लोगों को भी एक सोफ़ा देखना था, तो देखिए वहाँ पे बैठ के भी देख रही हूँ मैं, और आवाज़ नहीं आई इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और घर के डेकोरेशन की छोटी छोटी चीज़ें देखिए एकदम यहाँ पर प्राइस टैग के साथ रखी हुई हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर नीचे जाके सेम चीज़ सेम कोड के साथ उठा सकते हैं। तो ये प्लांट मुझे बहुत पसंद आया, हालांकि ये नीचे आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ऊपर डेकोरेशन में रखा हुआ था, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा ये।
और ये देखिए ये चेयर मुंबई का निखिल ने सेम लिया हुआ है, तो बस उस पर जाके मैं बैठ ही गई। कितना अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल था बहुत। हम लोग भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं सोफ़ा और चेयर लेने का, देखते हैं। और आकाश भी यहाँ पे बैठ गए हैं, यहाँ पे देखिए उससे मैचिंग ये टेबल भी दिया हुआ है जिस पे आकाश बैठे हैं। और ये देखिए स्टडी टेबल है, वो उस पर बैठ के मैं चेक कर रही थी कि कैसा है। स्टडी टेबल में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। किचन में देखिए पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ किचन है, इसमें आपको आइडिया लगेगा कि मेरे किचन में क्या सामान कैसे सूट होगा। और यहाँ पे फिर से एक और सोफ़ा हम लोग चेक कर रहे हैं, देखिए मिस्टर सिंह यहाँ पे प्राइस वगैरह चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे आ गए हम किड्स सेक्शन में, और किड्स सेक्शन में देखिए उनकी ज़रूरत की हर एक चीज़ें, छोटा सा टेबल चेयर जो भी, ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी बहुत यूज़फुल है और ऐसे भी ये उनको घर पे भी स्टडीज़ के लिए काम आएगा। तो ये सब में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। ये देखिए ये यहाँ का शोरूम सेक्शन है। अभी हम लोग वहाँ से नीचे आ गए और अब हम लोग जाने की सोच रहे हैं बेसमेंट में, जहाँ पे सारा सामान ये उठाना है। तो बस अभी बेसमेंट में हम लोग चलते हैं। चलिए आइकिया का ये जो बेसमेंट का सेक्शन है, यहाँ पे घर की पहले शुरुआत होती है किचन की चीज़ों से, उसके बाद किट सेक्शन आता है, उसके बाद बहुत सारे वैरायटी बॉक्सेस के, स्टोरेज के, फिर बाथरूम में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, फिर आता है बेडिंग सेक्शन। और नीचे बेसमेंट सेक्शन में आते ही सबसे पहले आपको अपनी एक ट्रॉली लेनी है, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली आप सामान पिक करने वाले हो। ऊपर शोरूम में आपने तो सब देख लिया कि कैसे सब सेट होता है, क्या होता है। अभी यहाँ से आई है सामान लेने की बारी। तो अभी ये देखिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स पहले ही दिखा मुझे, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल था। और यहाँ पे देखिए बच्चों के टिफ़िन बॉक्सेस, ये सब, तो ये सब मैंने थोड़े थोड़े लिए। और दिवाली के लिए कैंडल्स, ये देखिए ये सब भी बहुत रीजनेबल फ्रेग्रेंस वाले कैंडल्स, काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं बाहर मार्केट में, लेकिन आपको आइकिया में अच्छे मिल जाएंगे। और ये छोटे छोटे चाय के लिए कप भी लिए मैंने। और ये देखिए आइकिया का स्टेनलेस स्टील का भी सेक्शन काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ का ये सब मैंने ऑनलाइन काफ़ी चेक किया था। तो मैं एक्चुअल में जाके देख रही थी कि कितना वजन है, ऑनलाइन में ये सब तो समझता नहीं है लेने से पहले, तो मैंने जाके थोड़ा देखा ये सब भी और जो लेना था इसमें से लिया भी। तो ये सब नॉनस्टिक का सेक्शन है, नॉनस्टिक पे काफ़ी सारे ऑफर्स थे, बहुत ज़्यादा ऑफर था। और ये देखिए ये यहाँ पे नाइफ़ का सेक्शन है, यहाँ पे ये देखिए इस किचन से रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। और अगर केक बनाने के शौकीन हैं आप बेकिंग का, तो उसके डेकोरेशन के सारा सामान मिल रहा था यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ये क्लिप्स लिए हैं मैंने, वो जो पैकेट होता है कोई खुला छोड़ देते हैं तो उसमें आप क्लिप लगा सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी घर के ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल रही थी, और वो भी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे। और बस उसके बाद हम लोग आ गए लाइट्स के सेक्शन में। काफ़ी सारे सेक्शन हमने स्किप किए, जैसा कि मैंने बताया जो लेना था उधर ही गए हम लोग। बाथरूम का सेक्शन वो सब स्किप किया। और यहाँ पे देखिए ये आर्टिफिशियल प्लांट्स दिख रहे हैं आपको सामने, ये सब कितने प्यारे प्यारे थे, देखिए बहुत अच्छा लगा। ये सेक्शन मेरा फेवरेट था। और थोड़े थोड़े ऑफ़र थे इसमें, बहुत ज़्यादा ऑफ़र नहीं था लेकिन थोड़े थोड़े ऑफ़र थे, तो लिया मैंने ये क्योंकि आइकिया से लेने में ये फ़ायदा है कि काफ़ी रियल लगते हैं ये सब। और आप बाहर से लोगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो एकदम फेक लगते, तो पता चलता है।
तो अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स और प्लांट्स और सब बड़े छोटे हर एक साइज़ के आइकिया में बहुत ही अच्छे हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े पाम के वो प्लांट हैं, ये आप घर में रखोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि असली है कि ये नकली है, लेकिन इतना उसमें ऐसा शेड दिया हुआ है कि एकदम रियल लगता है। और आकाश बाहर देख रहे हैं, यहाँ से देखिए बाहर से व्यू भी बाहर का बहुत अच्छा दिख रहा था। और यहाँ से देखिए हम लोग सामान आर्टिफिशियल प्लांट्स ले लिए। और ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेटिव पीस है फ्रूट बास्केट, कितना अच्छा गोल्डन गोल्डन, मुझे बहुत पसंद आया ये। और बस उसके बाद DIY सेक्शन में ज़्यादा हमने शूट नहीं किया, हमने एक चेयर ली इस तरह। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ गए बिलिंग काउंटर की तरफ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा व्लॉग पे ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, बेडशीट वगैरह का सेक्शन मैं दिखा नहीं पाई आपको, लेकिन वो सब भी काफ़ी ह्यूज था यहाँ पे। वहाँ पे हमने सिर्फ ये शॉपिंग कर ली। तो ये देखिए ये लास्ट में ये जो मेन ऑफ़र रहते हैं ना, आपको बिलिंग काउंटर के आजू बाजू ये सब दिखेंगे जिस पे ज़्यादा ऑफ़र रहते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ से, अगर आपका लेफ्ट हो गया है नहीं उठा पाए तो यहाँ से ले सकते हैं। और बस हम लोग फिर उसके बाद अपनी गाड़ी देख रहे थे कि कहाँ है हमारी कार, और सारा सामान हमने कार में रखा और उसके बाद चल दिए घर की तरफ। और आपको छोटा सा मेरा ये आइका का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं मेरे चैनल पे, सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और आज के दिन के कुछ और ग्लिम्सेस है जो मैं वीडियो के लास्ट में भी डाल रही हूँ, तो प्लीज़ उसको भी चेक कीजिए। क्या आकर्षित हार्ट शेप है ना बेटा, हार्ट शेप।